उनकी साफ सुथरी छवि, उनका गुंडापन को लेकर के प्रेम, आत्मिक संबंध, एक ऐसा रिश्ता टूट, और जिन्होंने आगे बढ़कर कहा, जो अपने आप में राजनीति में ऐसे उदाहरण नहीं देखने को मिलते। राजनीति में तो आदमी की इच्छा कभी पूरी नहीं होती, पॉलिटिक्स में तो कोई रिटायर होना ही नहीं चाहता, कोई चुनाव की राजनीति से बाहर आना ही नहीं चाहता। कांग्रेस के साथियों जरा सुन लीजिए आप, लेकिन हमारे श्रीनिवास शेट्टी जी ने सहर्ष पार्टी को कहा कि मैं आपको एक ऐसा साथी देने जा रहा हूं किरण कुमार के रूप में, जो मेरे किए हुए कार्यों को तो आगे बढ़ाएगा ही, बल्कि अपनी मेहनत से उसमें चार चांद लगा देगा। मेरा एक ऐसा, मैं तो काम करता ही रहूंगा, लेकिन किरण को आगे करके हम एक और एक 11 बनकर जिस तरह पहले काम कर रहे थे वैसे ही हम काम करते रहेंगे। तो किरण कुमार कोटकी जी की और श्रीनिवास शेट्टी जी की जोड़ी को कौन नहीं जानता, और यह एक ऐसी ट्रांसपेरेंट जोड़ी है जो जन कल्याण के लिए समाज में और कुंदापुर में और पूरे कर्नाटक और भारतवर्ष में प्रचलित और एक जानी जाती है, जो एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो ये यारों के यार, दो जाबाज मिलके जब गुंदापुर की धरती पर मोदी जी के आशीर्वाद से, बोम्बई जी के और हमारी सरकार के आशीर्वाद से जब अपनी जनता के जन कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, तो पूरी दुनिया कहेगी ये बेमेल, ये बेजोड़ जोड़ी बेमेल काम कर रही है, ऐसे काम कर रही है जिसको कोई छू भी नहीं सकता। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, जनता को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि पिछली बार से भी अधिक मार्जिन से हमारे, पिछली बार श्रीनिवास शेट्टी जी जीते थे, श्रीनिवास शेट्टी जी इस बार अपना ही रिकॉर्ड खुद तोड़ देंगे, ऐसा जनता कह रही है। और जिस तरह से वो प्रचार में उतरे हुए हैं, जिस तरह चुनाव की पूरी भागदौड़ उन्होंने अपने हाथ में संभाल ली है, कोई ये नहीं कह सकता। लोग कहते हैं चुनाव तो श्रीनिवास शेट्टी लड़ रहे हैं, श्रीनिवास शेट्टी और किरण कुमार मिलकर काम करेंगे, और चुनाव मैदान में तो श्रीनिवास शेट्टी जी ने लोगों के बीच में ये स्थापित कर दिया है कि वोट कमल को दो, भारतीय जनता पार्टी को दो, समझो श्रीनिवास शेट्टी को वोट दिया है, समझो किरण कुमार को वोट दिया, कि वो अपने मतदान का प्रयोग करें और अपनी इच्छा अनुसार अपनी सरकार चुने। सबसे पहले प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार आनी चाहिए, और वो पूर्ण बहुमत की सरकार देने का दम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। भारतीय जनता पार्टी का अर्थ है डबल इंजन की सरकार, और हमने देखा है कर्नाटक की सरकार भाजपा सरकार के साथ, केंद्र की भाजपा सरकार और दोनों ने मिलकर जो असंभव का उसको भी संभव करके दिखाया। मोदी जी फॉर डेवलपमेंट, आज पूरा देश जानता है
जहां मोदी जी खड़े हैं वहां विकास है, विकास विकास और विकास। और दूसरी तरफ आपने देखा 2018 में जब चुनाव पूर्ण हुए तो भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन जो पर्दे के पीछे साथ चलते हैं कांग्रेस और जेडीएस, जिनकी एक ही विचारधारा है, एक ही आधार है, करप्शन। और एक छोटे दल को शायद 23 सीटें आई थी उनकी, जेडीएस को मुख्यमंत्री बनाया, कांग्रेस ने समर्थन किया और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए। परिणाम क्या हुआ? कर्नाटक इंस्टेबल हो गया, करप्शन का अड्डा बन गया और लूटमारी शुरू हो गई। तो लोगों को सरकार नहीं मिली, लुटेरों का दल मिला। मैं कर्नाटक की जनता से कहना चाहता हूं कि ऐसे लुटेरों को रोकने के लिए एक ही तरीका है कि स्टेट को स्टेबल सरकार दीजिए, एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी सरकार दीजिए, विकास उन्मुख सरकार दीजिए, डबल इंजन की सरकार दीजिए और ये रिवर्स गियर डालने वाली सरकार जो डेवलपमेंट की रोड पर आज 100 की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से हमारी गाड़ी जो दौड़ रही है कर्नाटक के विकास की, उसको रिवर्स गियर में मत जाने दीजिए। कर्नाटक की जनता इनके तुष्टिकरण के खेल को भी समझ चुकी है। धर्म के आधार पर 4% आरक्षण जो संवैधानिक तौर पर पूरी तरह गलत था, असंवैधानिक था, लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हुए 4% रिजर्वेशन दिया धर्म के आधार पर, जिसको भारतीय जनता पार्टी में ही दम है कि 4% के रिजर्वेशन को खत्म किया और SC ST वो का लिंगा और लिंगायत कम्युनिटी में उसको बांट दिया। कांग्रेस कह रही है हम सत्ता में आएंगे तो ये 4% रिजर्वेशन फिर से तुष्टिकरण का रास्ता अपनाएंगे। हम जानना चाहते हैं वो 4% धर्म के आधार पर जो रिजर्वेशन देंगे वो किसका काटेंगे? SC ST का रिजर्वेशन काट कर देंगे या लिंगायत या वोकालिंगा का रिजर्वेशन काट कर देंगे? अब ये तो जनता को तय करना है कि आपका रिजर्वेशन जो आपको मिल रहा है वो जारी रहेगा या उसको काटा जाएगा। कांग्रेस जवाब दे, आप किसका रिजर्वेशन काटने जा रहे हैं? सुरक्षित कर्नाटक, भारतीय जनता पार्टी है जिसने PFI पर बैन लगाया है। अब कर्नाटक में बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि एक फर्म सरकार है जिसका एजेंडा बहुत स्पष्ट है कि तुष्टिकरण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, बॉम्ब ब्लास्ट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। PFI के एक एक ठिकाने पर पूरी ताकत के साथ सर्च वारंट के साथ लोगों को गिरफ्तार किया गया और वो पूरा जो खेल था धार्मिक उन्माद का उसको तहस नहस कर दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार है जो ऐसा कर सकती है। साथियों, PM किसान स्कीम में कर्नाटक के 55 लाख किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं, अब वो बढ़ा के 8,000 रुपए किया गया है। 55 लाख किसानों को वो बेनिफिट मिला है। अभी बजट में शुभ लग्न स्कीम के तहत
बच्चों को जो पुअर बैकग्राउंड की हैं उनको 5,000 रुपए उनकी वेडिंग पर गिफ्ट दिया जाएगा, ये बजट में रखा गया है। पिछले देश की आज़ादी के अगर 75 वर्षों में किसी सरकार ने चिंता की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, और मौबीरा कम्युनिटी के लिए फिशरमैन मिनिस्ट्री का कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसके माध्यम से लोगों को उसका लाभ मिल रहा है, जनहित की योजनाएं आ रही है, और पार्लियामेंट में बजट का विशेष प्रावधान मंत्रालय के लिए किया गया है।